फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको घुमाएंगे कोल्वी गुफा और बताएंगे जा रहे हैं ये सब हमारे। तो हम सब अभी बस से जा रहे हैं, तो आपसे वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। तो गुड लक, बाय। बाहर पहुंच गए हैं, पर अभी आपको है ना बस वाले ने हमें रोड पे उतारा है। तो हम क्या है कि थोड़ा आगे जाके इधर से मतलब कि 3 किलोमीटर तक हमें वापस अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी हम अंदर जाएंगे। देर भाई साहब, हाय फ्रेंड। ये देख लो, ये कोल्वी गुफा 3 ऊपर ही ऊपर आपको उल्टा दिख रहा होगा। कोल्वी गुफा 3 बता रहा है ये। तो अभी आपको अंदर जाएंगे हम। 3 किलोमीटर चलेंगे अभी। सही है। ये तो कोल्वी गुफा उतरूंगा, खाना तू क्या उतरेगा? मैं दिल्ली उतरूंगा। अरे एक ठेके में उतरूंगा। तो हम पहुंच गए हैं कोल्वी गुफा। और ये देखो आप, कोल्वी गुफा का थोड़ा सीन बताता हूँ आपको। अभी हम ऊपर जाएंगे कोल्वी गुफा, और अभी हम ऊपर ही जा रहे हैं। बस गेट के आ गए, गेट के यहाँ पे। तो आप सीन देख सकते हो, ये कुछ इधर चढ़ाव किस जैसा है। और यहाँ पे मतलब कि कोई अंदर मतलब कि उधर से घुस नहीं सके, तो ये दीवार बना रखी है यहाँ पे। और ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा बना है। मतलब कभी भी आओ, आपके फैमिली को लेके आओ आप, बहुत अच्छी जगह है मेरी नज़र में। तो मज़े मतलब बहुत आनंद आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़े आ रहे हैं, देख सकते हो आप। ये ऊपर चलो, आप तो खोल यार, चलो अरे ऊपर बाद में बात करेंगे। ये पाइप बने हम बोले, अरे चलो मतलब कि कभी भी आओ यार, सबसे जोरदार मतलब फोटो शूट की सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया मतलब बहुत अच्छी जगह है। कभी भी आओ, देखो आप कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये जबड़ा बटा। और यहाँ पे मतलब कि सभी लिख रखा है यहाँ, स्मारकों को मौलिक नष्ट न करे, मतलब कि यहाँ पे माता जी का मंदिर भी है शायद ऊपर। अभी भी मेरे को प्रकृति पे इतना भरोसा है। थक्का बहुत। हाय फ्रेंड। ओ बाप, देख सकते हो कितना ऊपर आ गए हैं हम दोस्तों, थक गए हैं काफी मतलब कि ऊपर आने। आहा, शांति मिली अभी आके। आहा, चलो आज आप घूम लेते हैं, बैठो मत। ये चारों तरफ मतलब प्राचीन पत्थर ही है, गुफाई है। देखो मतलब कि भोजन भी लेकर आए थे, तो हम अभी भोजन करेंगे, उसके बाद आपको वापस घुमाएंगे। तो ठीक है भाई, हम भोजन करते हैं, उसके बाद आपको घुमाते हैं, ठीक है? ले हैं गुरु जी। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप यहीं पे रहते हो? हाँ। लगातार? हाँ। यहीं पे रहते हो, तो हमें कुछ मंदिर के बारे में बता सकते हो आप? यहाँ माता जी का मंदिर है। माता जी का मंदिर कहाँ पे बता सकते हो आप? तो ये बता रहे हैं यहाँ पे जो विशेष मंदिर है, सबसे पहले माता जी का लगते हैं रात भर। अच्छा। ये बहुत सारे भक्त लोग आते हैं यहाँ। अच्छा। तो ये यहाँ माँ भगवती की जोत चलती है। अच्छा, ये देख सकते हो आप। ये कई भक्त लोग यहाँ आके ना पूरी रात भर राती जगह लगाते हैं। अच्छा। और माँ भगवती की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा। ये कोल्वी नाम से
गुफाएं नाम से प्रसिद्ध पहाड़ है जी। तो यहाँ पे मतलब कितने पर्यटन मतलब कि हर महीने आ जाते होंगे? यहाँ तो हर हफ्ते में आते हैं। अच्छा, हर हफ्ते में? हाँ, तो हर हफ्ते में भक्त लोग हैं, अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। तो पंडित जी ने जैसे कि हमें बताया, गुरु जी ने, कि यहाँ पे बहुत आते हैं और रात भर यहीं पे मतलब कि माता जी के यहीं पे रुकते हैं और यहाँ पे मतलब भजन कीर्तन करते हैं। देख सकते हो आप कितनी चमत्कारी माता जी होगी। और बाहर के जो चरित्र हैं वो पहले के देखे जाते हैं, एक से अनेक प्रकार के जो चित्र बना रखे हैं। अच्छा, हाँ, न जाने क्या है वो। अच्छा, पर वो उनके भी चरित्र देखो आप बाहर। तो इनके कहने का मतलब है कि उनका जो चरित्र, उनका जो बनावट है वो भी बहुत मतलब कि अलग तरीके से सुंदर तरीके से जो पत्थर में बना रखे हैं। ये जो कोई कोरे देखो ना आप, ये इनकी। हाँ। हाँ? गुरु जी हमें सब बता रहे हैं एक एक करके। इधर का देखो आप, ऊपर से जो बनावट आ रही। अच्छा, न जाने उनको क्या करना था। अच्छा, ये इनके अंदर कोई एक चरित्र बिठा रखा है, पत्थर में मूर्ति बिठा रखी है। अच्छा, ये भी इससे मालूम पड़ता है कि पहले के आदमी ऐसे मतलब, ऐसे थे। हाँ, मतलब लंबे चौड़े थे जी। तो इस बनावट के मतलब से ये बता रहे हैं मतलब कि जो पहले जो आदमी रहते थे, पहले के जो मानव थे वो मतलब कि थोड़ा मतलब कि ना आजकल के मानवों से थोड़े मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे। देख सकते हो आप इनकी दुगने रफ्तार ज्यादा थी उनकी। अच्छा, उनकी ने देखा जाए तो उनकी दुगनी ये ज्यादा मिलती है अपने शरीर से, अभी के शरीर से पहले वाले से दुगनी मिलती है। उनने उनके हिसाब से बैठा रखा है इनको। अच्छा, यहाँ पे उनने शिवलिंग बनाया। अच्छा, और ये चेहरे बिठाए इनमें। अच्छा, ये सब मूर्तियां काय की है ना जाने क्या। अच्छा, और ये कितने खंड है इसमें? एक खंड, दो खंड। अच्छा, तो इनमें खंड है दो, तीन, चार खंड। और चार चार खंड गुरु जी बता रहे हैं यहाँ पे हमें। ये चार खंड की जो शिवलिंग बनी हुई। अच्छा, इन सभी चारों खंड में मूर्तियां बैठी हुई है। अच्छा, तो कोई मूर्ति खंडित भी, उनके पैर कटे हुए हैं, उनके कोई सर कटे हुए हैं। अच्छा, ऐसे हमको महसूस होते हैं यहाँ। अच्छा, और इनमें प्रसिद्ध उनमें भी मूर्तियां प्रसिद्ध है। अच्छा, और ये यहाँ से डबल मंजिल भी दिखता है आपको, देखो वो गैलरी वगैरह ऊपर। अच्छा, अंदर से रास्ता है ऊपर चढ़ने का। अच्छा, ये ऊपर भी रजवाड़ी जैसा दिखता है। और एक चेहरा यहाँ भी देखिए आप, इनको क्या बनाना चाहते हैं इनको देखिए। अच्छा, तो इनकी बनावट आप देख सकते हो कितनी मतलब की अनोखी, कितनी अलग है। हाँ, ये टूटा हुआ है पर आधा इसमें बच गया है। तो इनको भी देखिए आप, इनके जो ये और इसमें टूट फूट कुछ नहीं है साहब। ये देख सकते हो मतलब कि कितने बड़ी और कितने, तो इससे ये पता चलता है कि और ये फिर इधर इनका ये जो राज रजवाड़ा महल आ गया अंदर। अच्छा, ये हाँ, ये पीछे से भी है। हाँ, पीछे से नजर हाल है इनके। अच्छा, बड़े बड़े अंदर हाल है और ये मूर्ति बनी हुई है और ये इनके सामने इनके ये बना हुआ है। इनकी इमारतें भी देखो आप, एक से एक कोरही है इनकी। अच्छा, जो तोड़ फोड़ हो गई पहले, अब देखिए इनका, और अंदर भी देखिए आप। अंदर भी देखते हैं एक बार, हम देख रहे हैं पर हमको जानकारी पता नहीं थी, पर अब पंडित जी हमें सब एक एक करके बता रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये पूरा इनकी कलाकृति देखिए आप। अच्छा, एक से एक इमारत है न जाने यहाँ पे जीव, ये तो कहीं नहीं ये ऐसा बना हुआ था। अच्छा जी ने हमें बहुत कुछ बहुत जानकारी दी है। ठीक पंडित जी, जो भी हमको मालूम था वो आपको बताया मैंने। अच्छा, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम वापिस कभी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे जी। मेरा नाम शंभुगिरी है। अच्छा, गांव बोरखेड़ी गोस्वामी। अच्छा, एक मूर्ति यहाँ भी टूटी हुई है, देख सकते हो, देख लीजिए आप। हाँ, ये पता नहीं है मतलब कि कोई अलग ही मतलब कि इसकी बनावट है, ये हमें समझ में भी नहीं आती है। पर ये मूर्ति है। अच्छा, कोई मनुष्य को बिठा रखा है। हाँ, कोई यूं खड़े हैं, कोई यूं खड़े हैं, मतलब आज के कारीगर ऐसे नहीं बना सकते हैं जिस तरीके से बनाया है ना पत्थर से। एक और चीज हमें बता रहे हैं यहाँ पे, कपड़े रुक जाएंगे पीछे, सपोर्ट करो क्या। ये रूम के अंदर रूम है, अंदर जाके भी देख सकते हैं। इस कमरे के अंदर एक और कमरा है, रूम के अंदर एक और कमरा है, देख सकते हो आप गुफा जैसा है। हाँ, ये इज्जत बना होगी, पास में एक कमरा और है, एक और है, ये छोटा सा बना हुआ है।
मतलब कि एक तरीके से कह भी सकते थे यहाँ पे काफी लोग रहते थे पहले पुराने जमाने में। हाँ। और ये उनके घर हुआ करते थे शायद, ऐसा भी बोलते हैं। इनके देखो इधर भी है। अच्छा, ये करावट इनके अलग है। अच्छा, ऊपर का गोला अलग है। अच्छा, और ये झालरी फिर इनके अलग है देखो। अच्छा, ऊपर जो माता जी का मंदिर है नीचे वाला। हाँ, हाँ। उनके ऊपर वाला मंजिल पे अपन चढ़े हैं अभी। अच्छा, है ना, ये बिल्डिंग दूसरी है। अच्छा देखो, यहाँ पे भी ठंडा है। मतलब कि क्या ठंडा है, मतलब कि मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है यहाँ पे। देखो पुराने जमाने की जो अलमारी अभी अलमारी बनाते हैं अपन। हाँ। कांच लगाते हैं। हाँ। उनने देखो अलमारी बना के नहीं लगाए दो। अच्छा देखो क्या दोस्तों, क्या मतलब कि ठंडा है, क्या बढ़िया है, दो महीने, क्या मतलब कि मस्त जगह है। तकिया, तकिया जैसा बना हुआ है, सोने टाइप है, सोने टाइप है। वाह ब्यूटीफुल, देख सकते हो लंबाई का पूरा आदमी सो सकता है इनके ऊपर। अच्छा, ये इनकी लंबाई का आदमी थे जब, इतना लंबा था वो जैसे। अभी देखो तकिया रखने का बनाया हुआ है, मैं इतना छोटा हो गया हूँ। हाँ। बहुत लंबा हूँ मैं भी। अच्छा, मतलब की रहस्य जानने की बात ही अलग है। आप कभी भी आओ यहाँ पे तो ये पंडित जी आपको यहीं मिलेंगे। और कितनी भी ठंड पड़ेगी ना। हाँ। तो अंदर गर्मी लगेगी आप। अच्छा, और कितनी गर्मी पड़ेगी ना, लू चलेगी ना। हाँ। अंदर आओगे तो बहुत ठंडा रहेगा। तो ये इसका है मतलब की राज, कभी भी आप मतलब की मौसम परिवर्तन। अंदर है नहीं। अच्छा, एक के अंदर एक है। अच्छा, एक के अंदर एक महिला रहती थी उनकी। हाँ। तो उनके रहने का अलग था। अच्छा, और वो जो भाई दोस्त आते हैं उनके उधर बैठने का अलग था। है कि नहीं। हाँ। उनके जो भी उनकी महिलाओं को मिलने के लिए जो आती महिला वो इधर बैठती थी। अच्छा, बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ। ये अलग से मंदिर बनाने का था। अच्छा, अलग से ये देखो। ये मंदिर जैसा शिखर जैसा बन रहा है इधर। शीकर। अच्छा, शिखर यहाँ पे पहले बनाने का था इनके। हाँ। है ना, ये देख सकते हो आप, अधूरा शिखर पड़ा है यहाँ पे। ये संरचना कितना बढ़िया, मतलब कि आजकल के कारीगर तो कोई भी नहीं बना सकते मेरे जहाँ तक कहना है। कितनी मतलब भयंकर, पहले के लोगों में कितनी हाथों में कितना जादू था। ये देखो शिखर मतलब कि अधूरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ऊपर जाके देख लो, काम रुक गया था। ये यहाँ पे काम रुका हुआ है। ये दोस्त हैं हमारे, कुछ मजे भी ले रहे हैं। ऊपर चलते, ऊपर से क्या होगा, ऊपर सारा नजर रहेगा, कहीं नहीं ऊपर तो फिर तो यही था हमारा जो कोल्वी गुफा का सफर है।